और अब रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस के द्वारा भाजपा सांसदों की घेराव को लेकर नेता प्रतिपक्ष ने निशाना साधा है। धर्मलाल कौशिक ने नौटंकी बताते हुए कहा है कि कांग्रेस ने जो किसानों से वादा किया था उसके अनुसार किसानों ने उनको सरकार में बैठाया। कांग्रेस को अब अपनी घोषणा को अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। कांग्रेस को बिना कोई प्रदर्शन किए, बिना कोई मुद्दा बनाए अपने वादे को निभाना चाहिए। भाजपा 15 साल सरकार में रही, जो वादा किया उसको निभाया, कभी किसान को लेकर प्रदर्शन नहीं किया। कांग्रेस जानबूझकर अराजकता की स्थिति पैदा करने में तुली है। तो अपने घोषणा पत्र को अमली जामा पहनाने का समय आ गया है, इसलिए उनको बिना कोई प्रदर्शन किए, बिना कोई विषय बनाए अपने वादा को निभाना चाहिए। अब जब अपने वादा निभाने की बात आई है तो सांसद को मोहरा बनाना चाहते हैं, किसान को मोहरा बनाना चाहते हैं। किसान को तो अधिकार है, किसान का हक है, आपने जो कहा है वो करो।